डिफरंट डिफरंट व्हरायटीज ऑफ डग्स आहेत आमच्याकडे. मका हाऊस आहे, स्कारलेट आहे, ॲमेझॉन आहे, गाडा कोकाटो आहे, खूप काही बर्ड्स आहेत आमच्याकडे. पण आम्ही शिवाजी पार्कमध्ये पूर्ण मुंबईमध्ये नाही आहे, पण आम्ही शिवाजी पार्कमध्ये असं करणार. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग. सो जस्ट अभी हम लोग आ चुके हैं अभी दादर में. तो अभी जस्ट हम लोग अभी शिवाजी पार्क में थोड़ा राउंड मारे, तो सोचे कि चलो अभी ब्लॉग को भी शुरुआत करते. और आज बहुत इंटरेस्टिंग आज ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आज मरीन एक्वा जू में, जो कि अब दादर में जस्ट एग्जिट मेरे बाजू में ही है. तो सोचे कि चलो पहले अभी दादर में आए तो अपन शिवाजी पार्क में जाके आते, क्लाइमेट भी देखते. क्लाइमेट तो बहुत ऑसम हो चुका है, क्योंकि बारिश नहीं है, बारिश भी मस्त है अभी, मतलब कम है. तो सोचा कि चलो ब्लॉग को भी अपन मस्त इंटरेस्टिंग बनाते हैं अभी. तो जस्ट अभी मैंने भीवपुरी का ब्लॉग मैंने अपलोड किया, तो जल्दी से जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो प्लीज़ जल्दी से आके सपोर्ट देना, जाके देखना गाइस. तो जस्ट अभी हम लोग के बाजू में जाने का, तो कैसा रहता है ब्लॉग, तो चलो गाइस मिलते हैं अभी, कंटिन्यू करते ब्लॉग को. तो लेट्स गो. भारी बोल रहे थे आने की वजह से बच्चे लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे, और वहाँ पर भी स्पोर्ट्स चालू है बाजू में. चलो अभी फिर अपन जाते हैं अपने लोकेशन पे, जाके वहाँ पर अपन विजिट करते हैं. क्या रहते कैसे रहते आपको पूरा ब्लॉग में पता चलेगा, और एंट्री फी क्या रहेगा वो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसा रहेगा. तो क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले एनिमल्स के साथ, क्योंकि मैंने कभी एनिमल के मतलब जो एनिमल्स रहते, बड़े बड़े एनिमल्स रहते, मैंने कभी उनको हाथ में लिया नहीं, कभी उनके साथ मतलब मैं मतलब बोलते ना टच भी नहीं किया. तो जाके बहुत एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है. तो चलो अभी जाते हैं, अभी फटाफट अपन एक्सपीरियंस लेते, और आप भी आना यहाँ पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलो फिर गाइज मिलते हैं. सो ऐसी है, सो गाइज शिवाजी पार्क है, तो उसके सामने HP पेट्रोल पंप है. तो यहाँ से आपको 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा. सो गाइज जो हम लोग को लोकेशन मिल गया अभी मरीन एक्वा जू में, सो सामने ही है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी एंट्री करने वाले, तो चलो अभी जाते जल्दी से. सो जस्ट अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, जो कि है दादर प्राणी संग्रहालय, जो आप देख सकते हो. तो अभी हम लोग अंदर एंट्री मारते हैं, तो चलो कैसा रहता देखते हैं. सो वेलकम बैक. जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मरीन एक्वेरियम में, तो जस्ट अभी हम लोग ने टिकट काउंटर से अभी टिकट लिया है यहाँ से, तो बहुत पसीना हो गया मतलब. तो जस्ट अभी हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर, तो अभी जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले. हम लोग ने अभी टिकट भी लिया, पर पर्सन 20 रुपीज़ है. तो आगे कैसा रहता है तो आपको पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ मैं, तो चलो. सो अभी हम लोग फर्स्ट लोकेशन पर आए, जो कि यहाँ पर सब फिश है जो आप देख सकते हो. हाय हाय हेलो, यहाँ पर सब छोटे छोटे. सो गाइज एक कुछ तो अलग सा एक फिश है, जो कैट फिश है, सब देख सकते हो. मतलब कुछ तो अलग ही है मतलब. ये तो कुछ तो अलग ही है, कितना बड़ा फिश है ये, मुंह भी नहीं हो रहा है मतलब, कुछ भी नहीं, कितना बड़ा फिश है, सही है मतलब.
क्या टर्टल है यार, मतलब व्हाइट टर्टल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, सही है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अभी सेकेंड लोकेशन पे, जो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे रैबिट्स है, क्यूट से रैबिट्स है यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हम लोग अभी यहाँ पर अभी जस्ट अभी बैठे हैं, अभी गौरव ने 100 रुपीज़ निकाला है, मतलब 100 रुपीज़ उनको टच कर सकते हैं। तो अभी गौरव अभी अंदर जाएगा शायद से, तो देखते हैं अभी कैसा होता है एक्सपीरियंस। और एग्जैक्ट मेरे बाजू में ये देखो डग्स है, देखो फाइटिंग कैसे कर रहे हैं। जो कि बंगाली कैट जो आप देख सकते हो, इसका आवाज़ भी दिया तो सुनाई नहीं रहा, टच भी किया तो कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, सो है फोर्थ लोकेशन जो कि यहाँ पर टर्टल्स है, देख सकते हो आप कितने सारे टर्टल्स हैं यार, छोटे से लेके बड़े तक है यार, देखना वहाँ भी है, देखना यार क्या सही है, पानी भी देखना क्लीन लग रहा है, क्लीन भी नहीं, थोड़ा डस्ट है, जाके स्विमिंग कर। गाइस बहुत सही एक्सपीरियंस था, जस्ट अभी हम लोगों ने टर्टल को अभी है ना हाथ लगाया, आपने देखा रहेगा गाइस, एक नंबर एक्सपीरियंस था, मैंने कभी जिंदगी में मैंने हाथ नहीं लगाया मतलब टर्टल को, मतलब उनका जो फीलिंग है ना, मतलब फीलिंग अलग ही है, मतलब जो हाथ लगा के ना फीलिंग बहुत अलग लगा। तो अभी जस्ट मैं अभी शूट करो यहाँ पर, अभी यहाँ पर और भी एनिमल्स है जो स्नेक्स है, फिर आप में सरडा बोलते हैं ना, सरडा भी है, तो अभी बाबा उनमें तो हिम्मत नहीं, अभी जस्ट वापस शूट चल दी का शूट चालू है। तो अभी सभी हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं, अभी फिलहाल अभी देखते हैं और भी कौन से नए नए एनिमल्स हैं, अभी देखते हैं वहाँ पर, तो चलो गाइस अभी चलते हैं। खूप काही काय आहे आमच्याकडे, बरंच काही काही येईल, पण तुम्ही मे बी सप्टेंबरला व्हिजिट करा, चालेल, तुम्हाला शॉर्ट आवडेल। आमच्याकडे पॅरेकिट्समध्ये बर्ड्समध्ये पण भरपूर डिफरंट ऑफ व्हरायटीज ऑफ बर्ड्स आहेत, डग्स आहेत आमच्याकडे, गिनी फाउल्स आहेत, ओके, कोंबड्या आहेत, डिफरंट कोंबड्या आहेत, रॅबिट्स आहेत। आता सध्या अवेलेबल आहेत? आता नाही आहेत, तिकडे ते अलग दुसऱ्या लोकेशनवर आहेत, पण ते इकडे येतील, पावसामुळे आम्ही नाही आणत आहे, हां, कारण पहिलं आम्हाला की क्लिनलीनेस पहिल्या आपलं क्लीन करणार, त्याच्यानंतर आम्ही स्पीसीज आणू शकतो काही ना काही, म्हणून बघा हे थोडे केसेस दिसतात ना तुम्हाला, बनून रेडी आहेत, पण आता तो काही वेंडर नाही आहे, तो झाडूवाला नाही आहे, त्याला युनिट्स लागतात, सर्व लागतं, ते डग्स आहेत तिकडे, डग्समध्ये पण आम्हाला डिफरंट व्हरायटीज ऑफ डग्स आहेत आमच्याकडे, डिफरंट व्हरायटीज ऑफ डग्स आहेत आमच्याकडे, मकाऊज आहेत, स्कारलेट आहे, ॲमेझॉन आहे, गालाकोकाटो आहे, खूप काही बर्ड्स आहेत आमच्याकडे, पण आम्ही शिवाजी पार्कमध्ये पूर्ण मुंबईमध्ये नाही आहे, पण आम्ही शिवाजी पार्कमध्ये असं करणार आहोत की लोकांना ज्यांनी आनंद होईल, बरं, हां, म्हणून हे पब्लिक आहे, आणि आम्ही इकडे इंडियन फिशेस काहीच ठेवत नाही, आम्ही सर्व ॲक्झॉटिक आहेत, बरं, त्यासाठी, आणि आम्ही जे 20 रुपये तुमच्याकडून घेतो ना, ते आम्ही आमच्यासाठी नाही घेत, ते आम्ही यांच्यासाठी घेतो, हां, पण तरी इकडे लोक येतात म्हणतात की 20 रुपये खूप जास्त आहे, इकडे काहीच नाही आहे, पण फक्त बघण्यासारखे कस्टल बोर्ड पायथन आहे माझ्या हातात येतो, हा खूप फ्रेंडली स्नेक आहे, हे सर्व आम्ही ऑस्ट्रेलिया आफ्रिका इकडून मागवतो, बरं, ओके, तर त्यासाठी बरंच काही काही बंगाल कॅट्स आहेत आमच्याकडे, आणि आम्ही लोकांकडून घेतो पण, बरं, की तुमच्याकडे बर्ड्स असतील ना तर तुम्ही कुठे सोडू नका, ते आम्हाला आणून द्या, बरं, आम्ही त्यांना पॅक केअर करतो, आता आम्हाला लोकांनी या खासवर दाखवतो, जस्ट सगळ्यात जस्ट गिव्ह मी 2 मिनिट्स,
इकडे आम्हाला लोकांनी कासव दिली आहेत बघा, ती पण त्या लोकांनी 8-8 वर्ष पाळली आहेत ती कासव, ती आम्हाला दिली आहेत, पण आम्ही त्यांचं पालन पोषण करतो. आम्ही त्यांना विचारलं की तुम्ही आम्हाला आणून का दिलात, तर ते म्हणले की खूप घाण करतात. बरोबर मग आमच्याकडे हा त्यांचा खर्च खूप जास्त आहे, मग विचार करा हे जे तुम्ही देतो ना ह्यांनी, आम्ही त्यांना फूड देतो आणून सर्व बरंच काही काय. त्यांचं पॉन म्हणजे 2 दिवसातून एकदा क्लीन करतो, 2 दिवसातून एकदा क्लीन करतो. बघा इकडे वॉटर आहे, इकडे 7 वाजता पाणी येतं, इकडून पाणी खाली होतं, इकडून पाणी भरतं. बरं हा नेहमी की घाण जायला नाही पाहिजे, कोणाला आजार झाला नाही पाहिजे, असं आहे. बरंच काही काही आमच्याकडे तर अजून बरंच खूप काही येईल, हो खूप काही येईल. पूर्ण जी पूर्ण प्रॉपर्टी आहे ना ती या भाऊची आहे, आणि ह्याचा या भाऊचा आणि एक आमचा भाऊ आहे अमन भाऊ, त्याचा कॉन्सेप्ट आहे हा पूर्ण. आम्ही काम करतो याच्याकडे आणि आम्ही पूर्ण पॅट्स आमच्याकडे बरंच काही काही आहे. ओके आता हा युवराज भाऊ आहे, तर तुम्ही त्याच्या व्यतिरिक्त युवराज भाऊशी विचारू शकतो. ओके हॅलो, मी बरं. आपलं कधीपासून हे चालू आहे? लास्ट इयर एप्रिलमध्ये चालू केलं. लास्ट इयर एप्रिलमध्ये आणि आणि सेक्शन आता फेब्रुवारीमध्ये चालू. अच्छा अच्छा. बरं आपल्याकडे आता कोणते कोणते असे प्रकारचे प्राणी आहेत सध्या? आता तरी बॉल पायथन आहे, बिगुआनज आहे, तर बंगाल कॅट्स आहे, टर्टल्स आहेत. आता पाऊस आहे म्हणून ॲक्च्युली आमच्याकडे आम्ही स्पेसिस जास्त ठेवल्या नाही आहेत. हे टेगूज आहेत, तुम्ही बघितलं असतं, तर तेच आत्ता जे बेसिक आहेत त्यात जास्त ठेवलं. आता पावसा जसं या मंथच्या एंड नंतर किंवा नेक्स्ट मंथच्या स्टार्टिंगला ऑक्टोबरपर्यंत पुन्हा पहिल्यासारख्या सगळ्या स्पीसीज आहेत. स्नेक्सच्या पण 3-4 व्हरायटीज होते, आता फक्त एकच आहे. एकच आहे आता सगळं. आता हे कधी पण आता इकडे म्हणजे अजून ऑक्टोबरच्या आधी, बिकॉज पावसामुळे मी ऍड नाही. पावसामुळे कारण पावसामुळे काय इकड पाऊस आता कसा पण होऊ शकतो, इकडे मोठी मोठी झाडं आहेत, काय झालं तर उगीच रिस्क नको जरा एक हे म्हणून सेफ्टी साईडसाठी. आणि पावसात जास्त ॲनिमल्सना प्रॉब्लेम्स. हा बरोबर. आता हे सगळे आपण रेस्क्यू केले का? ॲडॉप्शनला तुमच्याकडे येतात असं? भरपूर रेस्क्यू करायला जातात. रेस्क्यू पण करतात. म्हणजे ऑन कॉल आलं की तुम्ही पटकन जाऊ, मग त्याचा रेस्क्यू झाल्यानंतर तुम्ही फॉरेस्टला फॉरेस्टमध्ये करून वगैरे रेस्क्यू रिलीज वगैरे. ओके. ॲक्च्युली ते जे डिपार्टमेंट आहे की जो म्हणाला अमन, ते बघतात ते सगळं. माझं पूर्ण हेच आहे. बरं, हे सगळं तुमचं पूर्ण. किती बाय किती म्हणजे किती मोठा एरिया? एरिया तरी 2500 स्क्वेअर मीटरच्या वर. 2500 स्क्वेअर म्हणजे बरंच मोठं आहे. चांगलं. सर थँक्यू सो मच, आवडलं मला, मस्त वाटलं इकडे येऊन. आणि यूट्यूब चॅनल आपलं सबस्क्राईब मी टाकेल. अर्षद राजगुरु पर्सनल परत या नेक्स्ट टाइम. मी म्हणेन ऑक्टोबरच्या मे सप्टेंबरच्या मिड नंतर. माझ्या दिवस लोकांना काय बोलू शकता? नाही नाही, या एक नवीन कन्सेप्ट आम्ही ॲक्च्युली चालू केली आहे. बिकॉज तुम्ही जर बघितलं तर इंडियामध्ये ही गोष्ट कुठे नाही आहे. मग थायलंड, सिंगापूर अशा सगळ्या बाकीच्या देशांमध्ये जावं लागतं. तर माझं एक तेच होतं की माझ्या वडिलांचं ऑलरेडी पहिल्यापासून होतं, तर पुढे जरा एक्सपांड करून अजून जरा लोकांना या बाबतीत इगुआना वगैरे कसे असतात हँडल. आपण ना मोठ्या ॲनिमल्सचं करू नाही शकत, पण जे करू शकतो ते तरी ॲटलीस्ट लहान मुलांची भीती घालवायला की अरे साप दिसला तर लोक घाबरतात, ती सगळी भीती घाबरायला घाबरला की आपण ते सगळं फेस नाही करू शकत. तर ते सगळं होतं की लोकांची भीती घालवायला म्हणून चालू केलं. बरं, आता हे रॅबिट आहे ते हे कोणते कोणते प्रकार आहेत? म्हणजे सगळे नॉर्मल रॅबिट, सगळे नॉर्मल आहेत. हे आता संडेला आले. अच्छा, संडेला आले का? हा, तो हे डॉग सगळे संडेला आले. ओके ओके. पहिला नव्हते का? पहिले नव्हते. आमच्याकडे जेवढे बर्ड्स आणि रॅबिट्स होते आम्ही पावसाच्या आधीच सगळं काढून सगळे काढून. मला कॉन्सेप्ट तुमची आवडली, मला फार आवडली, कारण की मी तुमचं बघितलं म्हटलं काहीतरी युनिक आहे. पण युनिक काहीतरी ट्राय करून अजून भरपूर एक्सपांड करायचं. अजून भरपूर स्पेसिस आहेत, स्नेक्स बिच पण आहेत, ते अजून डिस्प्लेला आम्ही टाकले नाही आहेत, ते टाकायचे. थँक्यू सो मच, मला आवडल्याबद्दल. इच्छा आता परत येईल. नक्की नक्की. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. सो ऑलराइट गाइस, जस्ट अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं. अभी जस्ट हम लोग ने अभी एक्सप्लोर किया मरीन एक्वा. सो मस्त लगा, मतलब एकदम अच्छे से लगा, मतलब बहुत कुछ है देखने जैसा. और भी एनिमल्स आने वाले यहाँ पर, जैसे आपने सुना रहेगा जो अभी यहाँ के जो ओनर थे,
तो आने वाले एनिमल्स तो सितंबर के आसपास आएंगे। एक्चुअली बारिश के वजह से यहाँ पर एनिमल को नहीं ला रहे, तो कुछ रीजन से, तो आपने वो सुना सब रहेगा। तो गाइस तो ऐसा कुछ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी आ जाओ यहाँ पर एक्सप्लोर करना, बहुत सही है। मतलब यहाँ पर सामने एंट्री पे मस्त सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, गार्डनिंग है, आपको जो गार्डनिंग करना रहेगा यहाँ पर सुंदर सुंदर सा मस्त फ्लावर्स है। यहाँ पर मस्त पॉट्स है, देख सकते हो आप, सुंदर से एकदम मस्त पॉट्स है यहाँ पर, जो एंट्री पे ही है, एंट्री पे ही है सब कुछ। यहाँ पे सब ओनर बैठे हैं ये सब यहाँ के, तो आप यहाँ पे आके परचेस कर सकते हो, आपके घर पे गार्डनिंग कर सकते हो एकदम मस्त। और एंट्री यहाँ पर है जो है एक्वा का, यहाँ पर जाके आप एंट्री करके आप मस्त विजिट कर सकते हो, 100 रुपीज़ जो आप टच कर सकते हो एनिमल्स को, और बाकी अंदर 20 रुपीज़ एंट्री फी है। जो फ्लावर्स है उसके अभी अपन ओनर से पूछते हैं कैसा है क्या है और कौन से आपके पास फ्लावर्स है, तो चलो अभी अपन बात करते हैं उनके साथ। आपके पास कौन से तरह के फ्लावर्स है और क्या क्या मतलब रेट्स है आपके पास, ज़रा थोड़ा ऑडियंस को भी बताओ। इंडोर में रहेगा, घर के अंदर रहेगा। हाँ हाँ, अपना लक्ष्मी कमल रहता है। लक्ष्मी कमल, हाँ, इसका प्राइस 200 रुपये आता है। 200 रुपया। और जैसे अरेका पाम है, इसको मिनी पाम बोलते हैं, टेबल पाम है, सब इंडोर घर के अंदर का ही। हाँ हाँ, तो सब ऑक्सीजन प्लांट है, तो अपना 350 पड़ता है। हाँ हाँ, और इसको अरेलिया बोलते हैं, तो शो के लिए आता है इंडोर में ही सिर्फ। अच्छा, ये वाला? हाँ, ओके। और ये भी उसका वैरायटी ग्रीन है। ग्रीन है, तो अपना एगोलो नेमर आता है जो इंडोर का ही है। इंडोर का, इंडोर आता है, ऑक्सीजन प्लांट है सर। अच्छा, तो अपना 550 रुपये पड़ेगा। 550? हाँ, उसका छोटा पड़ता है 350 रुपये। ओके, कुछ कम? ठीक है ठीक है, फिर आगे? बाकी अपना एंटोरियम रहेगा, फुल ऑक्सीजन प्लांट रहता है। हाँ हाँ, तो अपना बड़ा 700 रुपये का, छोटा 400 रुपये आता है। छोटा 400 रुपये का। बाकी अपना बटरफ्लाई है, सब इंडोर है अपना, सब इंडोर का। हाँ, अपना बटरफ्लाई रहेगा, ऐसे फूल भी आता है। अच्छा, इंडोर में 350 रुपये पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, स्नेक प्लांट है, सबसे हैवी प्लांट रहता है, फुल ऑक्सीजन प्लांट रहता है। हाँ, ये वाला ना। हाँ, नाम क्या उसका? स्नेक प्लांट। अच्छा, और ये बाकी नीचे? ये अपना आउटडोर का रहेगा, जैसे इसको गोल्ड टॉक बोलते हैं, फूल आता रहता है कंट्री में, अपना मेरी गोल्ड है। मेरी गोल्ड, हाँ, जैसे 100 रुपये का अपना पड़ता है। 100 रुपये का। अच्छा, और बाकी ऊपर? बाकी जैसे रहेगा कलेथिया का है, ये भी इंडोर प्लांट ही है। अच्छा, ये वाला इंडोर प्लांट है। अच्छा लगता है, और अपना घर में फूल खिलता है इंडोर। इंडोर, हाँ, इसको कलेंचू बोलते हैं। ये बालकनी विलकनी में रख सकते हैं अपन? हाँ, ये अपना 350 रुपये पड़ता है। 350? हाँ, बाकी अपना जीजी प्लांट रहता है, ये वाले इंडोर, ये भी फूल ऑक्सीजन प्लांट है उसे। हाँ हाँ, तो अपना वो भी 350 पड़ेगा, उसका ब्लैक जो 450 रुपये आता है। और अपना ये सब बड़ा प्लांट रहेगा इंडोर का, सब इंडोर का ही है सब। हाँ, ये सब बड़े बड़े प्लांट इंडोर के, और बाकी सब है? हाँ, ये सब आउटडोर रहेगा। आउटडोर रहेगा। हाँ, ओके ओके ओके। बाकी और बाकी ऐसा कुछ जैसा प्लांट चाहिए वैसा अपना ऑर्डर पर ला के देगा, जैसा चाहिए वैसा ला के देगा। अच्छा, ऑर्डर के हिसाब से आप ला के देते हैं? जैसे चाहिए वैसा ला के देते हैं। ओके ओके, और बाकी क्या सब मतलब अलग अलग रेट रहेंगे? जैसे आउटडोर में अपना गुलाब रहेगा। हाँ हाँ, अपना 100 रुपये का है, जासवंती है वो भी 100 रुपये का है, अपना बोली रहेगा ऑरेंज फ्लावर वाला, ऑरेंज फ्लावर 150, और सेवंती है येलो फ्लावर वाला, येलो वो वाला, ये वाला ना, सेवंती। हाँ, 120 का रहेगा। 101 कितने हाइट तक जाता है? इसका कितना बड़ा? इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा ना। इसमें कलरफुल कलर आता रहता है, जैसे व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, मेरे पास सिर्फ येलो ही है, बाकी बोली इसमें भी कंटिन्यू हमेशा फुल आता है। अच्छा, हाँ हाँ, अपना 150 पड़ेगा, और इसका दो कलर आता है, येलो ऑरेंज। अच्छा 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 अच्छा, और गुलाब में क्या प्राइस है? गुलाब 100 रुपये का, कोई भी गुलाब लेगा तो 100 रुपये। बाकी अपने पास जासवंत रहेगा, वो भी 100 रुपये का। जासवंत, हाँ, ये जासवंत, ये लो, हर एक कलर का है, सही है, मतलब एकदम रिजनेबल और सस्ते है, मतलब सस्ते है आपके पास। बाकी हैंगिंग में भी चाहिए तो हैंगिंग टेबल, जो वैरायटी चाहिए वो वैरायटी मिलेगी हैंगिंग में ना। ओके, पॉट बताओ? पॉट नहीं, आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन मिलेगा, छोटा रहेगा अपना 100 रुपये का आएगा। हाँ, अपना साइज और डिजाइन के ऊपर आता है पॉट। जैसे बड़ा है तो 800 रुपये का है, और तुलसी कुंडी रहेगा छोटा 200 का है, बड़ा अपना 400 से बड़ा 600 रुपये का है। और अपना लकी बाम्बू रहेगा, वो छोटा अपना 350 का है, बड़ा 600 रुपये का है। 600 रुपये। बाकी ये अपना लक्ष्मी कमल है, लक्ष्मी कमल, हाँ, घर के अंदर। और इसका इसको कैसा पानी भी नहीं कैसा, मतलब पानी तो हफ्ते में 2 बार चाहिए, होती 2-2 चम्मच चाहिए। 2-2 चम्मच ना, और मतलब ज़्यादा दिया तो फिर वो सूख जाएगा, मर जाएगा। और एक डिजाइन है अपना पॉट मिलेगा, पॉट मिलेगा। क्या प्राइस है पॉट का?
सबके अपने अलग अलग डिजाइन के ऊपर है, जैसे छोटा 100 रुपये का है, उससे बड़ा 350, उससे बड़ा 550, ऐसे आता है डिजाइन के ऊपर। अच्छा अच्छा, कुछ नया दिख रहे? हाँ, एलिफेंट अपना 200 रुपये पड़ेगा, और सूट हो गया 100 रुपये का। शूट 100 रुपये, बाकी और डग? डग अपना 250 रुपये का है। 250 रुपये का, और ये फ्रॉक 350 का। 350 का, मतलब सबके अलग अलग, बड़े के 550 का पड़ेगा। 550 का ही, और बाकी ये सब छोटे? छोटा अपना 100 रुपये पड़ता है, बाकी जैसा डिजाइन होता है। गौतम बुद्ध है वो, तो कुछ अलग ही लग रहा फेस है, मतलब इंसान फेस है, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का, ओके। उसका अपना 350 पड़ेगा। 350 प्राइस, ओके। सो व्हाट्स अप गाइस, सो कैसा लगा ब्लॉग गाइस, तो बताना, ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि हम लोग ने ब्लॉग में, ब्लॉग से ज़्यादा हम लोग ने पर्सनली बहुत मस्त एंजॉय किया एनिमल्स के साथ, और बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मतलब बहुत कुछ सीखने जैसा था और देखने जैसा था। आपको भी मैंने वीडियो में दिखाया कि कैसा कैसे कैसे एनिमल से और उनके साथ कैसे कैसे, मतलब मतलब उनको कैसे संभालते हैं, उनका पूरा देखभाल कैसा होता है, तो पूरा डिटेल में मैंने आपको पूरा ब्लॉग में बताया गाइस। तो मतलब एक इंटरेस्टिंग था, मतलब हम लोग के लिए भी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एनिमल्स के साथ पूरा एक इंटरेक्ट होने का, वहाँ पर बहुत कुछ देखने जैसा था। बट अभी फ़िलहाल तो इतना एनिमल्स नहीं है, जो अभी सेप्टेम्बर में आना, फिलहाल बारिश की वजह से हम लोग नहीं ला रहे, क्योंकि वहाँ पर जो जो माहौल है, मतलब जो पूरा अभी तक बना नहीं है ठीक से, अभी प्रॉपर नहीं बना, बट वो बनने के लिए बन रहा है अभी, वो तो चालू, उनका पूरा प्रोसेस में चालू है। तो अभी सितंबर में हम लोग ला रहे हैं, तो अभी हम लोग फिर से सितंबर में जाएंगे और फिर से वहाँ पर विजिट करेंगे, और मस्त है गाइज, आप भी जाके वहाँ पर विजिट करना। टिकट का कुछ इतना इशू नहीं है, टिकट से 20 रुपीज़ एंट्री फी है, और 100 रुपीज़ जो टच करने के लिए हाथ में लगे फ़ोटो रील्स वगैरह जो भी है वो देखने के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो कुछ मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, और सिर्फ जाके आप विज़िट करना, एंजॉय करना फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाद में अपने चाइल्ड्स के साथ मस्त एंजॉय करना, इंटरेक्ट होना। मतलब बच्चों लोगों, मैंने देखा था बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो डर रहे थे कि एनिमल्स के, मतलब टच करने के लिए वो सब डर रहे थे। तो बहुत कुछ, मतलब एक ऐसा मोमेंट है कि वहाँ पर ना, मतलब जो डर है ना, डर निकल जाएगा। तो जाके वहाँ पर विज़िट करना गाइस, मतलब एक एक अलग ही माहौल है वहाँ पर जाके ना, बहुत मस्त लगता है एनिमल्स के साथ। तो और भी आपको एनिमल्स आएंगे तो देखने मिलेगा, तो अब भी जाके आप विजिट भी करना और जाके देख के आना। तो चलो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अभी इसी नेक्स्ट नए व्लॉग में। तो कैसा लगा व्लॉग जल्दी से आके कमेंट करना, और प्लीज़ जाके आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करने बोलना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। अपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आके फॉलो करना, इंस्टाग्राम का मैं पेज डाल दूँगा, तो जाके फॉलो करना, और डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अभी ऐसे नए व्लॉग में। और हाँ, मरीन एक्वा जू का गूगल पे रिव्यू देना, और उनका भी इंस्टा पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके पूरा सपोर्ट देना। तो चलो गाइस, मिलता हूँ ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए सेव एंड टेक केयर एंड बाय बाय, पीस आउट।